सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भाजपा का हर जिले में अब कार्यालय भवन का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रानीडीहा स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। हालांकि इसके अलावा बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और सिद्धार्थनगर, ये तमाम जिले ऐसे भी हैं जहां पर आज भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। कहीं वर्चुअली तौर पर तो कहीं खुद भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वही बात अगर अयोध्या की करें तो वहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे और रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। साथ ही बागपत में मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री दिनेश खटीक मौजूद रहेंगे, जबकि अलीगढ़ में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बताते चले कि यूपी में अब भाजपा हाईटेक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा का हर जनपद में कार्यालय होने का सपना अब कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। वही इसी कड़ी में आज भाजपा के कुल 8 क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। जबकि अगर बात गोरखपुर की करें तो वहां पे खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यालय की खासियत ये होगी कि ये 5 फ्लोर का होगा। इसके साथ ये एक हाईटेक कार्यालय होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हमेशा हम लोग कहते हैं कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। इसके आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। कार्यालय में जब कार्यकर्ता आते हैं तो संस्कार लेकर जाते हैं, अनुशासन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कार्यकर्ता को बल मिलता है और काम करता है अपनी विचारधारा का। कार्यालय का भव्य उद्घाटन होने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने वाले हैं और राज्य के अंदर कल 8 कार्यालयों का होगा और हर कार्यालय स्तर पर 8 केंद्रों पर कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री सुनील जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे हर स्थानों पर कार्यक्रम। तो अब यूपी में भी भाजपा का हाईटेक प्लान बनकर तैयार हो गया है, साथ ही अब भाजपा का सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा के 8 क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि जिन जिन कार्यालय का आज उद्घाटन किया जाएगा वो सभी कार्यालय हाईटेक है। तो यानी अब यूपी में भाजपा का हाईटेक कार्यालय स्थापित किए जाने की दिशा में लगातार काम शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि 8 जिलों में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। कहीं दिग्गज मंत्री खुद पहुंचकर इन कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे तो कहीं वर्चुअली तौर पर इन सभी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु और रायबरेली से अजय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत करते हैं। तो इस वक्त गोरखपुर का माहौल कैसा बताया जा रहा है हिमांशु? वर्चुअल रूप से 7 जिले 8 जिले जो भी है इनका भी आज लोकार्पण होगा और यहीं से होगा। स्क्रीन लगाई गई है और स्क्रीन के जरिए आस पास भी कई स्क्रीन लगाई जिससे देख सकते हैं जी। पूरी तरह से लोग देख सकते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ के जिलों का लोकार्पण हो रहा है। अब तक जितने भी जिले रहे हैं वहाँ पे भाजपा पूरी तरह से किराए से और स्थान रहती थी। उनके जितने भी कार्यालय थे वो किराए से होते थे, लेकिन अब अपने खुद के कार्यालय होंगे और हाईटेक कार्यालय होंगे। यही से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात भी कर सकते हैं। क्षेत्रीय यहाँ गोरखपुर की बात कर दें तो गोरखपुर में नीचे का फ्लोर जो है पूरी तरह से भाजपा के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होगा, जबकि ऊपर में एक मीटिंग हॉल है और उसके ऊपर यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी या फिर कोई भी इसका पार्टी का कार्यकर्ता आता है तो वो यहाँ पे विश्राम कर सकता है, रह सकता है। इसकी व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से एक होटल का रूप इसको दे दिया गया है जी। इस वक्त अजय आप भी मौके पर मौजूद है, तो वहाँ बाहर का माहौल कैसा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आपको बता दूं कि जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पहले एक कमरे में चलता आप आज है 3 मंजिला इमारत हाईटेक पहले अगर देखा जाए यहाँ पर अभी हवन पूजन हो चुका है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और भाजपा के जिला अध्यक्ष रामदेव पाल जी आए यहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने हवन पूजन किया है और इस तैयारियां जोरों शोरों से है, क्योंकि जो है इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी करेंगे, क्योंकि वो गोरखपुर से करेंगे वर्चुअल समाधान से। उसके बाद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आएंगे और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे।
हिमांशु, अगर देखा जाए तो गोरखपुर में आज कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं? आज योगी आदित्यनाथ कल से ही गोरखपुर आ चुके हैं, यहाँ पर जायजा भी लिए हैं, किसी तरह से तैयारियां चल रही हैं आज के पद को लेकर के, क्योंकि आज उनका बड़ा एक इवेंट है, क्योंकि यहीं के सारे दिलों का भी आज लोकार्पण होना है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गोरखपुर मौजूद हो जाएंगे, अब से कुछ ही देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से कर्तव्य हाउस में आएंगे, वहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सीधे यहाँ रानी जी है कार्यालय के पास आएंगे और यहीं से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उनके साथ सांसद रवि किशन और अन्य जितने भी सात जिले हैं उनके भी पदाधिकारी और विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर बात करी जाए गोरखपुर में तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, तो रायबरेली में आज कौन सा दिग्गज आज उद्घाटन करने पहुंच रहा है भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का? जी तो अभी जो है मुख्यमंत्री विजय पाठक जी आएंगे, अभी तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वतंत्र प्रभार राज्य अध्यक्ष प्रताप सिंह यहाँ मौजूद है, जो अभी क्षेत्र में निकले हुए, क्योंकि उनका भी यही है तो ये माना जाएगा कि वो भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्यालय बना हुआ है, जो शमरी बने हुए जो एक बना हुआ है, हर एक विभाग का अलग अलग बना हुआ, महिला से जो समन्वय होगा वो अलग बना हुआ है, केबिन इस तरीके से कई सारे केबिन बने हुए हैं, जो बात की जाए तो लंबे अरसे के बाद जिस तरीके से लोग एक कमरे में मीटिंग में करते थे उसमें बैठ नहीं पाते थे लोग, जिस तरीके से बैठक होती थी उसमें वे लोग आ नहीं पाते थे, तो यह है कि लंबे अरसे के बाद करोड़ों की लागत से यह बिल्डिंग बनाई गई है, जिस तरीके से एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन मंजिला का ये बिल्डिंग बनाया गया है और इसमें अब जाके भाजपा कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी राहत मिली है। हिमांशु, आज भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो इस कार्यालय की खासियत क्या क्या निकल के सामने आ रही है, कैसा होगा भाजपा का ये क्षेत्रीय कार्यालय? भाजपा का जो क्षेत्रीय आपके ठीक से हमारे यहाँ पे पूरी तरह से होर्डिंग से ढका हुआ और ये कार्यालय का तस्वीर है, आप देख सकते हैं पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है, नीचे के फ्लोर पे जो है कार्यालय रहेगा और इसके ठीक ऊपर जो है एक मीटिंग हॉल रखा है और उसके ऊपर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से इसे होटल का रूप दिया गया है और यहाँ हमारे उसे यही संबोधन भी होगा, उसमें सचिंदर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसके साथ कई विधायक सांसद सरकार यहाँ मौजूद रहेंगे और बंसी रूप से उत्सव जो है यहाँ से ही सारे जिलों को उद्घाटन किया जाएगा और किसी तरह से बता दें यहाँ जितने भी लाभार्थी हैं कल्याण के उनके भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी यहाँ पे लोकार्पण होगा। अजय प्रताप, अगर आपकी बात करी जाए तो रायबरेली में आप इस वक्त वहां पे मौजूद है, तो वहां पर जो भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी सूरत कैसी नजर आ रही है, कितना विशाल होगा रायबरेली का क्षेत्रीय भाजपा का कार्यालय? कार्यालय जो है बहुत ही से एक डेढ़ किलोमीटर लगभग दो मिनट मान लीजिए ये स्थित कार्यालय है, वो भी हाईवे के किनारे है महाराजगंज रोड, क्योंकि जिस तरीके से कार्यालय बनाया गया है तो देखा जाए तो सिटी में ही बनाया गया है, लोग जो आते हैं क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय जो आएंगे वो जो लगातार जो लोग आते थे काम नहीं समझ आता था उनका वो नहीं पहुंच पाते थे, कुछ लोग तो जहन ना होने की वजह से नहीं आते थे, क्योंकि अब जो है बड़ा कार्यालय बन गया, हाईटेक कार्यालय बन गया, उसके अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव को लेकर जो रणनीतियां होंगी उसको लेकर काफी ज्यादा वो होगा। हिमांशु, अगर देखा जाए तो हाईटेक कार्यालय की बात हो रही है, तो इस हाईटेक कार्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं जो हाईटेक तरीके से कार्यकर्ताओं को मिलेंगी? बिल्कुल, एक दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होगा जिसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है, उनसे ही बात कर सकते हैं, में दो मीटिंग हॉल दिया गया है जो की छोटे हैं उसके पदाधिकारी अपने बड़े वरिष्ठ कार्यक्रम से बात कर सकते हैं, लेकिन उनसे जो है जितने भी कार्यकर्ता है उनको संबोधन करते हुए बड़ा हॉल रखा गया है, इस तरीके से इसे पूर्णतर के हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है और यहीं से सभी जिलों को जो है जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि योगी आदित्यनाथ फिर आते हैं तो इसमें पूरी तरह से तरीके से जोड़ दिया गया है, जितने भी जिलों को जुड़े होंगे उनसे जोड़ा अड़सठ जिलों में पहले ही हाईटेक कर दिया गया है, लेकिन लोग जिसके सात आठ जिलों के आठ जिलों को आज प्रतिनिधित्व कर दिया जाएगा और अपना खुद का बीजेपी का कार्यालय हर जिले में रहेगा। आज अगर देखा जाए तो रायबरेली में अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को नया कार्यालय मिल रहा है, तो कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी देखने को मिल रही है? कार्यालय बन गया है तो लोग में एक तरीके से काफी खुशी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अभी सोचने बात
युवा मोर्चा के जिला जितिन पांडे वो भी आए थे और क्या बोलते हैं जो जिला मंत्री हैं आशीष पांडे वो भी आए थे। क्योंकि लगातार जो देखा जाए जमावड़ा लग रहा है यहाँ पे और जैसे ही इसका उद्घाटन हो जाएगा हमें लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जमावड़ा होगा कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। हिमांशु, इस वक्त गोरखपुर में दिग्गजों का जमावड़ा बस कुछ ही क्षणों में लगने वाला है, तो क्या अन्य कार्यक्रम और निर्धारित किए गए हैं गोरखपुर में दिग्गजों के? हर तरफ जो है इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे विधायक सांसद सभी वहाँ मौजूद रहेंगे, मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में आशा से पूरी तरह से पूरी तरह से जनता जा रही है और उनकी सुविधा प्रणाम के तहत की व्यवस्था की गई है, सोलर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि किसी का किसी अलग अलग तरीके से इसके बैठक की सांसद कहाँ बैठेंगे, विधायक कहाँ बैठेंगे, पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि मुझे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में मुख्यालय का लोकार्पण होना है, तो ऐसे में लगाई गई है और ठीक से जहाँ सीएम योगी अध्यक्ष जे पी नड्डा बैठेंगे उसके ठीक पीछे बहुत बड़ी स्कूल बैठेंगे उसको चल रहा है और पीछे हर जिले का विजुअल दिखाया जाएगा कि नहीं तो उनके शासन को जाएगा, तो पूरी तरह से उनको फाइटर देना कोशिश किया जाएगा। आज अगर देखा जाए तो इस वक्त रायबरेली के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिली है, वहीं आज कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेन एरिया थाना है यहाँ पर नजदीकी पड़ता है, वो यहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह तैयार है। जिस तरीके से सुविधा व्यवस्था की गई है, सबसे बेहतर की बात की जाए तो फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है, यहाँ पे सीएम भी मौजूद है और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। देखा जाए तो काफी तरीके से, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस मजबूती के साथ है, यहाँ पर कोई अगर ऐसा हलचल दिखती है 100% उसको तुरंत यहाँ पर थाने भेजा जाएगा। किस तरीके से तैयारियां हैं यहाँ पर, तो देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी। धन्यवाद अजय और हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा किस तरह से हमारे दो संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद है जहां पर भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता ने रायबरेली और गोरखपुर से तस्वीरों को साझा करते हुए जानकारी हमारे साथ साझा की कि किस तरह से भाजपा का हाईटेक क्षेत्रीय कार्यालय मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली, वहीं जहां एक तरफ आज कई दिग्गज नेता इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, भाजपा के हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपना पूरा कड़ा पहरा पूरे जनपद में बना रखा है, यानी कि पुलिस प्रशासन द्वारा जिन जिन जगहों पर कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। तो यूपी में अब भाजपा का हाईटेक प्लान नजर आ रहा है, यूपी में अब भाजपा के सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी के कई हिस्सों में पुलिस प्रशासन अलर्ट है, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है, वही कानपुर में धारा 144 भी लागू की गई है। कुछ दिन पहले भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पुलिस सतर्कता बरत रही है और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर कानपुर अब छावनी में तब्दील हो गया है। शहर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होनी है, यानी कि आज जुम्मे की नमाज होनी है, ऐसे में प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर के नई सड़क क्षेत्र में उपद्रव तथा हिंसा के मास्टरमाइंड हयाल जफर हाशमी के कई बैंक खातों के लेन देन का सच सामने आने के बाद विशेष जांच दल यानी कि SIT ने अब उसकी संपत्तियों की जांच करनी शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले कि कानपुर हिंसा में जो उपद्रव हुआ था आज उसका एक हफ्ता पूरा हो चुका है, बीते हफ्ते भी जुम्मे के नमाज के बाद ही दंगाइयों ने जमकर उपद्रव मचाया था, वही अब आज इस कांड को लेकर एक हफ्ता पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आज जुम्मे की नमाज भी होनी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरे कानपुर में सतर्कता बढ़ती हुई है। विगत 3 जून को जो कानपुर नगर में जो घटना घटित हुई उसकी वजह से शहर का सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से और अपने कौशल से किसी तरीके से इसको संभाला और आज अमन चैन की तरफ हमारा कानपुर बढ़ रहा है। और अभी आज हमने सभी सभ्रांत नागरिकगण धर्म गुरुओं से मीटिंग करी और अपेक्षा की कि सभी लोग आगे आए, सहयोग करें पुलिस का
और अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की कोई घटना कहीं पर घटित ना हो, और साथ ही साथ कुछ लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरें, उनको आइडेंटिफाई करें और पुलिस को उनकी सूचना दें अगर ऐसा। तो कानपुर में हुई हिंसा को अब आज एक हफ्ता पूरा हो चुका है। वहीं आज हिंसा के बाद पहली बार जुमे की नमाज होने जा रही है, जिसको लेकर कानपुर के साथ प्रदेश के कई जनपदों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही बीते हफ्ते हुई हिंसा को लेकर लगातार पुलिस द्वारा इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम कई ऐसे बड़े खुलासे इस वक्त पुलिस के सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में हुई हिंसा को एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं, जबकि हिंसा के बाद आज पहली बार ये जुम्मे की नमाज हो रही है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जुम्मे की नमाज है और इस घटना को कानपुर हिंसा को लेकर 7 दिन हो गए हैं और प्रशासन जो है पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है और 4 पॉइंट बनाए गए हैं, दादा मियां, मूलगंज और उसके बाद यतीम खाना। 3 पॉइंट पे जो है चार जो बटालियन PSC तैनात है, उसके बाद उसमें जो है 7 IPS हैं, उसके बाद उसमें 24 मजिस्ट्रेट जो हैं और इसका सेक्टर मजिस्ट्रेट 48 जो हैं वो तैनाती है उनकी। यानी कि ये कहा जाए कि इस वक्त कानपुर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता चला बिल्कुल छावनी में तब्दील। तो 5 जून से लेकर के अभी तक बिल्कुल बराबर जो है, जब से जफर गिरफ्तारी हुई है तब से ये पूरा क्षेत्र जो है बिल्कुल छावनी में तब्दील हुआ है। और कमिश्नर का जो है उसके बाद जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो IPS अजय पाल शर्मा भेजा है वो बराबर जो है रूट मार्च कर रहे हैं। उसके बाद रूट मार्च में RPF, APF, PSC और उसका डायल 112 जो है उसके सारे जो है पुलिसकर्मी जो है वो रूट मार्च कर रहे हैं बराबर। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस वक्त कानपुर में धारा 144 लागू की गई है, तो वहां का माहौल इस वक्त कैसा देखने को मिल रहा है? जी आपको बता चले जो यहाँ की मार्केट जो है खुल चुकी है और लगातार जो यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है। हाँ, जो कल रात जो कल शाम को जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जो नवाजी आए थे उनका जो है जो क्षेत्र के थाना बेगमगंज पुलिस जो है उन्होंने जो नमाजियों के जो है कई कॉन्टेक्ट नंबर लिए गए हैं, रजिस्टर नोट किया गया है, इसलिए लगा कि जो जुमे की नमाज पढ़ने आएंगे उसमें वो लोग के जो है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे, बाहर नहीं पढ़ेंगे। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो कानपुर में हुई हिंसा और उपद्रव को एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तो पुलिस की जांच अभी तक कितनी आगे बढ़ पाई है? जी आपको बता चला कल जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि 5 लोगों जो है पूछताछ दौरान छोड़ देगा, एक आदमी जो संदिग्ध था उसको जेल भेज दिया गया है। टोटल जो है अभी तक 57 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले में लगातार ये भी निकल के सामने आ रहा है कि पुलिस द्वारा कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वो दंगे में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें जो नाबालिग हैं उनको जो अभी फिलहाल उन धारों में ही भेजा गया है, अभी बाल सुधार गृह में नहीं भेजा गया है। और उसके बाद आज सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए जो है वो ED टीम है पूरी, वो यहाँ कानपुर आने वाली है और इस पूरे मामले को टेक ओवर ED करेगी। अब उपेंद्र, अगर देखा जाए तो जब जो मुख्य अपराधी है इस पूरे साजिश का, तो उसका नाम CAA और NRC में भी शामिल आया था, तो पुलिस द्वारा उस दौरान क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये आपको पता चले जब ACP अनवरगंज जो है कमार खान, अकबर खान जो थे उनके जो ये बहुत करीबी साथी थे जफर आसमी, और जो इनकी जो इससे पहले जो जाजमऊ में, काकादेव में, कल्याणपुर में जिन दंगों में इनका नाम था उनमें सब इनको मतलब हिस्ट्री लिस्ट से हटाने वाले जो है ACP पे और बेगमगंज इंस्पेक्टर पे जो है कल जांच बैठी है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस जांच के दौरान कई ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं और कई ऐसे जो महान जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही है, तो क्या अभी तक इस मामले में किसी का नाम निकल कर सामने आया है? जी आपको पता चला खबर सूत्रों से आ रही है कि जो जफर आजमी का जो अकाउंट है बहुप्रवा स्थित SBI बैंक में, उसमें सितंबर जब यूपी में विधानसभा चुनाव चला था उस समय जो है 1 करोड़ रुपए जो 98 लाख रुपए की राशि निकाली गई थी और वो कई नेताओं को दी गई थी। अभी ये जांच का विषय है, जो अजय पाल शर्मा IPS है उनका साफ कहना है कि जो कुछ ब्रीफ करेगी मीडिया को वो जो प्रशासन करेगा, अभी कोई भी ब्रीफिंग जो है मीडिया को नहीं दी जा रही है। अच्छा उपेंद्र, इस वक्त कानपुर में धारा 144 लागू की गई है, साथ ही कल ये भी एक आदेश जारी किया गया था कि अब जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी जाएगी, तो कौन से ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां आज भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है?
अगर देखा जाए तो वहां पे जो है 105 संवेदनशील जो गलियां हैं जिसपे ड्रोन पुलिस प्रशासन वहां जाने में थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है वो, और उसमें वहां पे जो है ड्रोन से मतलब 5 ड्रोन जो है वहां से ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरी, और पल पल की अपडेट IPS जो है वो अपने पास रख रहे हैं। पुलिस द्वारा आज नमाजियों के लिए क्या कुछ आदेश जारी किया गया है या क्या कुछ नमाजियों से अपील की गई है? नहीं, शहर काजी और कानपुर कमिश्नर विजय मिला सिंह जो कल शाम को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उनका साफ कहना है कि जो नमाजी है वो जो नमाज है वो मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे, बाहर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शहर में धारा 144 लागू है, नहीं तो पुलिस को उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी धारा 144 में। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो इस वक्त कानपुर में जो चौक चौराहे हैं वहां पर दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, तो जिन दंगाइयों के पोस्टर्स चस्पा हुए हैं उनमें अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? जब ये जब से दंगा जो कानपुर कमिश्नर ने जो जब से ये 40 लोगों का दंगाइयों का पोस्टर जारी किया है उसमें केवल अभी 29 लोग की जो फोटो थी उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कल एक बंदे की और गिरफ्तारी हुई थी। टोटल अगर देखा है तो उस पोस्टर से जो है 40 में से 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धन्यवाद उपेंद्र अस्थाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर में हुई हिंसा को एक हफ्ता पूरा हो चुका है और आज हिंसा पूरे होने के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज होनी है जिसको लेकर पूरे कानपुर में धारा 144 लागू की गई है। बल्कि कानपुर में ही नहीं प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, जहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतता हुआ भी नजर आ रहा है ताकि जो हिंसा पिछले दिनों कानपुर में हुई वो हिंसा कहीं और ना होने पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप